नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज। खबर उन्नाव से है। साक्षी महाराज मंगलवार को भाजपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कुछ कह रही थी। उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी युग पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं, राष्ट्र रक्षा के लिए ये लोग आए हैं। उनके न ही परिवार है और ना ही कोई घर। वाना परिवार की राजनीति करते हैं और ना ही घर की राजनीति करते हैं। यूपी चुनाव में ममता की एंट्री पर बोले कि ये राम कृष्ण विश्वनाथ की धरती है। अब ये ममता मायावती राहुल प्रियंका के बहकावे में नहीं आएगी। नजर डालिए इस खास वीडियो पर। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर इसलिए विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम लोग राम भक्त हैं और हम लोगों के जहन में समाया हुआ है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हमने जो कहा वो किया, और इससे पहले चाहे 2014 हो, 2019 हो, 2017 हो, जो भी घोषणा पत्र किया, घोषणाएं हमने की, उससे डोड़ा काम करके दिखाया है। उन्होंने कहा, हमने जो भी अपने घोषणा पत्र में लोगों से कहा था उसका दोगुना काम हमने करके जनता को दिया। योगी मोदी पर कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा सकता। आरएलडी नेता जयंत चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने उनका एक भाषण सुना था। जयंत अपने ही प्रत्याशी को लेकर बागपत में कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि प्रत्याशी ने मुजफ्फरनगर में दंगा कराया था। मैं अपने लोगों से कहूंगा वो स्वतंत्र हैं और वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।